दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आपका ऑप्शन ट्रेडिंग करने का तरीका पूरा बदल सकता है। वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो तीन मुख्य कारण जिसकी वजह से 80% रिटेल इन्वेस्टर्स ऑप्शन को खरीद के पैसा गंवाते हैं। वीडियो को पूरा देखें और कारणों को समझ कर लें। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते तो कोई महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट सकता है और फिर ये वीडियो देखने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा और ऊपर से आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको सच में आप ऑप्शन के अंदर क्यों पैसा गंवा रहे हो उसके कारण जानने हैं तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। ज़्यादा समय ना गवा के चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं। हमने वीडियो के अंदर सारा निफ्टी का डेटा लिया है NSE की ऑफिशियल साइट से, तो अगर आपको ये डेटा चाहिए तो फ्री में NSE की वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमने इस्तेमाल किए डेटा को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमने ये वीडियो के अंदर 2 अगस्त 2016 से 31 जुलाई 2020 तक का डेटा लिया है, यानी कि ये डेटा पिछले 4 साल का है। ये 4 साल में 989 दिन ट्रेडिंग हुआ, मतलब ये डेटा 989 दिन ट्रेडिंग का है। चलो अब पता करते हैं 989 दिनों में से कितने दिन निफ्टी 0 से 1% ऊपर चढ़कर या फिर नीचे गिरकर बंद हुआ। डेटा विश्लेषण करने के बाद हमें पता चलता है कि 989 दिनों में से 791 दिन निफ्टी 0 से 1% ऊपर चढ़कर या फिर नीचे गिरकर बंद हुआ, यानी कि 80% समय पिछले 4 साल में निफ्टी 0 से 1% ऊपर चढ़कर या फिर नीचे गिरकर बंद हुआ है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि सिर्फ 20% समय निफ्टी 1% से ज़्यादा ऊपर चढ़कर या फिर नीचे गिरकर बंद हुआ है। चलो अब दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं और 0 से 1.5% के बीच में निफ्टी कितनी बार ऊपर चढ़कर या फिर नीचे गिरकर बंद हुआ है पता करते हैं। डेटा विश्लेषण करने के बाद हमें पता चलता है 989 दिनों में से 890 दिन निफ्टी 0 से 1.5% के बीच में ऊपर चढ़कर या फिर नीचे गिरकर बंद हुआ है, यानी कि 90% समय निफ्टी सिर्फ 0 से 1.5% ऊपर चढ़कर या फिर नीचे गिरकर बंद हुआ है। यानी दोस्तों, सिर्फ 10% समय निफ्टी 1.5% से ज़्यादा ऊपर चढ़कर या फिर नीचे गिरकर बंद हुआ है। दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे ये जो डेटा हमने एनालाइज किया है उससे हमें क्या लेना देना। ये डेटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप डे ट्रेडर हो, यानी कि आप सुबह कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को खरीदते हो और उसे 3 या 3:30 बजे तक क्लोज कर देते हो। समझो निफ्टी 1% ऊपर या नीचे खुला तो क्या होगा। अगर निफ्टी 1% 9:15 बजे ऊपर खुलता है तो 80% चांस है आप उस दिन कॉल ऑप्शन के अंदर पैसा नहीं बनाओगे, और अगर निफ्टी 1% गैप डाउन से खुलता है 9:15 बजे तो पूरे पूरे चांसेस है कि आप उस दिन पुट ऑप्शन खरीद कर पैसा नहीं बना सकते। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि हमने डेटा एनालिसिस से पता किया, निफ्टी सिर्फ 0 से 1% के बीच में 80% समय रहता है, तो निफ्टी 9:15 बजे 1% अगर गैप अप या गैप डाउन से खुलता है तो उसके अंदर सिर्फ 20% चांसेस रह जाते हैं और ऊपर जाकर बंद होने के या फिर और नीचे जाकर बंद होने के। इसीलिए आपने सुना होगा कि बहुत सारे एनालिस्ट जब निफ्टी गैप अप खुलता है आपको बताते हैं कि इंट्राडे के अंदर जब निफ्टी थोड़ा नीचे आए तब खरीदारी करो, और जब गैप डाउन होता है तो एनालिस्ट आपको बहुत बार कहते हैं कि थोड़ा निफ्टी को ऊपर आने दो और उसके बाद निफ्टी को सेल करो। समझो निफ्टी अगर 1.5% ऊपर या नीचे 9:15 बजे खुलता है तो क्या होगा।
दोस्तों, अगर निफ्टी 9:15 बजे गैप अप से 1.5% ऊपर खुलता है तो 90% चांस है उस दिन आप कॉल ऑप्शन के अंदर पैसा नहीं बनाओगे। और अगर निफ्टी 1.5% गैप डाउन से खुलता है तो उस दिन 90% चांस है कि आप पुट ऑप्शन खरीद कर पैसा नहीं बना सकोगे, क्योंकि जैसे कि हमने डेटा एनालिसिस से पता किया, निफ्टी सिर्फ 0 से 1.5% के बीच में ऊपर चढ़कर या नीचे जाकर बंद होता है 90% टाइम। यानी कि अगर निफ्टी 1.5% ऊपर या नीचे खुलता है सुबह 9:15 बजे ही, तो उसके अंदर 10% ही चांसेस रह जाते हैं और ऊपर जाने के या फिर नीचे जाने के। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, निफ्टी हमेशा ज़्यादा समय एक छोटी रेंज के अंदर ही गुजारता है, जो 80% टाइम 1% की होती है और 90% टाइम 1.5% तक होती है। अगर आप सोच रहे होंगे कि आप डेली ट्रेडर नहीं है, आप वीकली ट्रेडर है, यानी कि आप ऑप्शन को 2-4 दिन रखते हो अपने पास, तो चलो वीकली डेटा को एनालाइज करके पता करते हैं कि वीकली डेटा से हमें क्या जानकारी मिलती है। इसके लिए भी हमने 2 अगस्त 2016 से 31 जुलाई 2020 तक का डेटा लिया है, यानी कि ये डेटा पिछले 4 साल का है और ये 4 सालों में 209 वीक ट्रेडिंग हुआ है। अगर ये डेटा को हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है 1 वीक के अंदर निफ्टी 0 से 2% तक ऊपर चढ़कर या नीचे गिरकर 165 वीक बंद हुआ है, और 2% से ज़्यादा 1 वीक के अंदर निफ्टी ऊपर चढ़कर या फिर नीचे गिरकर 44 वीक बंद हुआ है। यानी कि दोस्तों, 1 वीक के अंदर निफ्टी सिर्फ 0 से 2% तक ऊपर चढ़कर या नीचे गिरकर लगभग 80% समय बंद हुआ है, और 1 वीक के अंदर 2% से ज़्यादा ऊपर चढ़कर या फिर नीचे गिरकर निफ्टी लगभग 20% समय बंद हुआ है। यानी कि दोस्तों, 80% समय निफ्टी 1 वीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2% ऊपर चढ़ता है या फिर नीचे गिरता है। तो दोस्तों, हमें इससे क्या पता चलता है? समझो निफ्टी 11,000 पे है, तो 11% का 2% मतलब 220 पॉइंट, तो 80% चांस है कि निफ्टी 1 वीक के अंदर 10,780 तक जा सकता है या फिर 11,220 तक ऊपर जा सकता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि 80% चांस है कि 10,800 के नीचे के सभी पुट्स और 11,200 के ऊपर के सभी कॉल्स 1 वीक के अंदर 0 हो जाएंगे। और हमें रिटेल इन्वेस्टर के माइंडसेट का पता ही है, वो हमेशा 11,300 11,400 के कॉल लेंगे या फिर 10,700 10,600 के पुट्स लेंगे, क्योंकि वो सस्ते में रहते हैं। और जैसे कि आपने देखा, निफ्टी 1 वीक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 80% समय 2% ऊपर चढ़ेगा या फिर 2% नीचे गिरेगा, तो आपने लिए हुए सभी कॉल्स और पुट्स एक्सपायरी के दिन 0 हो जाएंगे और इसका चांस 80% है। चलो अब एक्सपायरी डे के दिन ट्रेडिंग करने वालों के लिए डेटा एनालाइज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ एक्सपायरी डे को ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, निफ्टी के अंदर पहली वीकली एक्सपायरी फरवरी 2019 के अंदर हुई। 14 फरवरी 2019 को निफ्टी के अंदर पहली वीकली एक्सपायरी हुई थी और अभी लेटेस्ट एक्सपायरी 30 जुलाई 2020 को हुई है। तो 14 फरवरी 2019 से 30 जुलाई 2020 तक अब तक वीकली 77 एक्सपायरीज हुई है। एक्सपायरी के दिन निफ्टी कहाँ पे बंद होता है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है, क्योंकि उसके हिसाब से ही कॉल और पुट एक्सपायर होते हैं। तो हमने ये एनालिसिस के लिए 200 पॉइंट का निफ्टी का रेंज लिया है। तो जैसे कि हमने ये डेटा को एनालाइज किया तो हमें पता चला 77 एक्सपायरी में से निफ्टी 13 बार 200 पॉइंट ऊपर चढ़कर या फिर नीचे गिरकर बंद हुआ है और 64 बार निफ्टी 200 पॉइंट के नीचे ही ऊपर चढ़कर या फिर नीचे गिरकर बंद हुआ है।
मतलब दोस्तों निफ्टी 83% समय सिर्फ 200 पॉइंट की रेंज के अंदर काम किया एक्सपायरी डे के दिन, और सिर्फ 17% समय वो 200 पॉइंट की रेंज से ऊपर रहा है। चलो अब पता करते हैं ये डेटा से एक्सपायरी डे ट्रेडर को क्या सीखना चाहिए। समझो निफ्टी 11,000 पे है तो हम 2% समझ सकते हैं निफ्टी ऊपर या नीचे जाएगा, तो 83% चांस है कि निफ्टी एक्सपायरी डे के दिन 10,780 के पास बंद होगा या फिर 11,220 के पास बंद होगा। इसका मतलब ये है कि 83% चांस है कि 10,800 और 10,800 के नीचे के सारे पुट्स एक्सपायरी के दिन ज़ीरो होने वाले हैं और 11,200 और 11,200 के ऊपर के सारे कॉल्स ज़ीरो होने वाले हैं। और दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर हमेशा 11,200 के ऊपर के या फिर 10,800 के नीचे के ऑप्शंस ही लेते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। लेकिन दोस्तों उनको ये नहीं समझता कि 83% समय ये ऑप्शंस ज़ीरो होने वाले हैं और बहुत ही कम चांस है कि ये ऑप्शन खरीद के वो पैसा कमा सके। तो दोस्तों अभी आपको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर 80% समय क्यों पैसा गंवाते हैं, क्योंकि अधिकांश समय बाजार एक छोटी रेंज के अंदर ही काम करता है। जैसे कि हमने डेली पे देखा, वीकली पे देखा और एक्सपायरी डे के दिन देखा, निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा 1% से 2% की रेंज के अंदर ही रहता है और 80% समय तो निफ्टी सिर्फ 1% की रेंज में ही रहता है। दोस्तों ये एनालिसिस देखने के बाद अब आप हमें बताएं कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को खरीदकर कैसे पैसा बनाएंगे। समझो निफ्टी 11,000 पे है तो रिटेल इन्वेस्टर सोच रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो वो 11,300 का कॉल खरीदेगा या फिर 11,400 का कॉल खरीदेगा, जो कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है। और अगर रिटेल इन्वेस्टर सोच रहा है कि निफ्टी नीचे जाने वाला है तो वो 10,700 का पुट खरीदेगा या फिर 10,600 का पुट खरीदेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है। जैसे कि हमने वीकली डेटा पर भी देखा कि निफ्टी एक वीक के अंदर 80% समय 2% या फिर उससे भी कम ऊपर या नीचे जाकर बंद होता है। तो अगर आप निफ्टी 11,000 पे है और 11,300-400 का कॉल खरीदते हो तो एक वीक के अंदर भी निफ्टी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। उसी तरह से अगर आप 2% नीचे का यानी कि 10,700-10,600 का पुट खरीदते हो तो निफ्टी एक वीक के अंदर वहाँ तक 80% समय नहीं पहुँच पाएगा। इसीलिए दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर 80% समय निफ्टी के ऑप्शन खरीद कर पैसा गंवाते हैं। तो दोस्तों सही तरीका क्या है निफ्टी के अंदर ऑप्शंस को खरीदने का। समझो निफ्टी 11,000 पे है तो आप 100 पॉइंट दूर का कॉल ऑप्शन खरीदो जो कि 11,100 पे है, या फिर 100 पॉइंट नीचे का पुट ऑप्शन खरीदो जो कि 10,900 पे है। अगर आपका डायरेक्शन सही रहा तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दोनों कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में पैसा बनाओगे। आप कभी भी बहुत दूर का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीद कर पैसा नहीं बना सकोगे। चलो अब जानते हैं दूसरा कारण जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर 80% समय अपना पैसा गंवाते हैं। दोस्तों ऑप्शन प्राइजेस के अंदर टाइम वैल्यू भी इंक्लूडेड रहती है और ये दूसरा मुख्य कारण है रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा गंवाने का। टाइम वैल्यू को ऑप्शन रिस्क के अंदर थीटा भी कहते हैं। ऑप्शन की प्राइजेस इंस्ट्रिंग वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू से बनती है। इन द मनी ऑप्शन के अंदर इंस्ट्रिंग वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होते हैं। एट द मनी ऑप्शंस के अंदर इंस्ट्रिंग वैल्यू नहीं होती, सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के अंदर इंस्ट्रिंग वैल्यू नहीं होती, सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। ऑप्शंस के अंदर जो टाइम वैल्यू होती है वो हर दिन थोड़ी थोड़ी ऑप्शन के प्राइजेस को नीचे लाती है, यानी कि आपके ऑप्शन की कीमतों में से हर दिन कुछ पैसे थीटा की वजह से यानी कि टाइम वैल्यू की वजह से कम होते हैं।
एक्सपायरी जैसे पास में आती है, ये टाइम वैल्यू बहुत जल्दी जल्दी नीचे आना शुरू करती है और एक्सपायरी के दिन टाइम वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। इसीलिए एट द मनी और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस एक्सपायरी के दिन ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के अंदर ना ही इंस्ट्रिंग वैल्यू होती है ना ही टाइम वैल्यू। दोस्तों, ये 13 अगस्त 2020 की ऑप्शन चेन है। जैसे कि आप देख सकते हो, 11,400 का कॉल अभी 34 रुपये पे चल रहा है। अभी यानी दोस्तों 5 अगस्त 2020 को जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, जीरोदा की साइट के ऊपर ब्लैक स्कोल ऑप्शन प्राइसिंग फॉर्मूला अवेलेबल है, जिससे आप ऑप्शंस के थीटा ऑप्शन का पता लगा सकते हो। यानी कि ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप पता लगा सकते हो कि हर दिन आपके ऑप्शन में से कितना पैसा कम होता है। चलो अब इसके अंदर हम डिटेल को फिल करते हैं और पता करते हैं कि हर दिन अपने ऑप्शन में से कितना रुपया कम होता है। 11,100 पे अभी निफ्टी है और हमने स्ट्राइक सिलेक्ट किया है 11,400 का और एक्सपायरी सिलेक्ट की है 13 अगस्त 2020 की। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद पूरा डेटा आपके सामने आ गया, जिसके अंदर हम कॉल ऑप्शन का थीटा अगर देखते हैं तो वो -5 रुपीज़ है। यानी कि दोस्तों 5 अगस्त 2020 को आपके कॉल ऑप्शन में से कुछ भी ना करते हुए भी 5 रुपये थीटा की वजह से कम होंगे। उसी तरह से अगर हम 11,300 की स्ट्राइक देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो ऑप्शन में से रोज़ाना 6 रुपया कम होंगे। उसी तरह से अगर हम 11,200 की स्ट्राइक देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रोज़ाना 7 रुपये कम होंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, टाइम वैल्यू की वजह से आपके ऑप्शन में से रोज़ाना कुछ पैसे हमेशा कम होंगे। यानी कि दोस्तों, आपने जो 11,400 का कॉल 34 रुपये में लिया है, वो ऑप्शन में से रोज़ाना 5 रुपये कम होंगे। अगर ये लॉस नहीं होना है तो निफ्टी को कम से कम उतना बढ़ना होगा, जिस वजह से आपके ऑप्शन की कीमत 5 रुपया बढ़े और जो लॉस आपको कॉल ऑप्शन में थीटा की वजह से हो रहा है वो 0 हो जाए और आपके ऑप्शन की कीमत 34 रुपया ही रह जाए। और अगर निफ्टी उतना नहीं बढ़ पाता तो आप देखते हो, निफ्टी ऊपर जाने के बाद भी आपके ऑप्शन की कीमतें कम हो जाती है। उसका मुख्य कारण ये टाइम वैल्यू यानी कि थीटा है। इसीलिए दोस्तों, ज़्यादा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीद के आप कभी मुनाफा नहीं कमा सकोगे, क्योंकि ज़्यादा आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में से ज़्यादा थीटा प्राइस को कम कर देता है। इसीलिए जब कभी भी आप ऑप्शन खरीदारी के बारे में सोचो, तो अगर निफ्टी 11,000 पे है तो 11,100 का कॉल खरीदो या फिर 10,900 का पुट खरीदो, जिसकी वजह से आपका थीटा का ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। चलो अब जानते हैं आखिरी कारण, जो कि है वॉलीटिलिटी। दोस्तों, जब भी मार्केट में कोई बड़ा इवेंट रहता है, रिटेल इन्वेस्टर उसके अंदर ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं ऑप्शंस को खरीद कर। समझो, मार्केट के अंदर कोई भी बड़ा इवेंट है जो सबको पता है, जैसे कि कंपनियों के तिमाही नतीजे, केंद्रीय बजट, आरबीआई की तिमाही पॉलिसी और कुछ भी जो सबको पता है कि आने वाले समय में आने वाला है। ऐसे समय में दोस्तों, ऑप्शन की कीमतें वो इवेंट से पहले ही महंगी हो जाती है, क्योंकि मार्केट के अंदर इवेंट से पहले वॉलीटिलिटी बढ़ जाती है। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ऑप्शन को खरीदता है ये सोच के कि निफ्टी में बड़ा मुंह आएगा तो ऑप्शन में 3-4 गुना पैसा बन जाएगा, और इवेंट के दिन नतीजा अच्छा आता है और निफ्टी 2 या 3% ऊपर भी चढ़ जाता है, लेकिन फिर भी ऑप्शन की कीमतें नीचे गिर जाती है। ज़्यादातर समय कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों साइड की कीमतें गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इवेंट की अनिश्चितता खत्म हो जाती है और उस वजह से वॉलीटिलिटी गिर जाती है, और वॉलीटिलिटी गिरने की वजह से ऑप्शन की कीमतें गिर जाती है।
इसीलिए दोस्तों जब भी कोई बड़ा इवेंट मार्केट के अंदर रहता है, जैसे कि तिमाही नतीजे, केंद्रीय बजट, आरबीआई की तिमाही पॉलिसी और कोई भी जो सबको पता है आने वाला है, वो समय पे ऑप्शन खरीदारी करना सही समय नहीं रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन इवेंट्स के ऊपर पैसा नहीं बनता, लेकिन आरबीआई की नीति, वित्तीय बजट, कंपनी के परिणाम या किसी अन्य घटना से परिणामों से कुछ भी असाधारण यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकल के आता है जो किसी को भी पता नहीं होता, तो ऑप्शन खरीदारी करके पैसा बन सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ उनको भी ये जानकारी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।